आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 5 फोन लेके आया हूं जो कि 30,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में बेस्ट है। लेकिन यहां पर एक बात भी है कि हर एक फोन अपने अलग यूजर को टारगेट करता है, तो यहां पर आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा फोन आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से फिट होता है। वैसे अगर आपको हमारी वीडियो फिट लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले और 10,000 लाइक का एम करते हैं। तो सबसे पहला फोन उन लोगों के लिए जिनको गुड लुक्स के साथ अच्छे कैमरा वाला फोन चाहिए, और ये है वीवो का V29। अब ऑफलाइन के अंदर वैसे तो ये फोन 32,000 का है, लेकिन ऑफलाइन में आपको 30,000 का आराम से मिल जाएगा डिस्काउंट लगाने के बाद। अब ये फोन के जो लुक्स हैं वो भाई काफी सुंदर हैं, लेकिन वीवो ने एक चीज इससे छीन ली है, वो है कलर चेंजिंग बैक। लेकिन बैक देखते हैं तो काफी हद तक ऐसे ओशियन में वेव उठती है ना, वैसी वाली सी फील आती है। हालांकि इसे माउंटेन का डिजाइन बोला गया है, बट मेरे को सी वाला ज्यादा लगता है। अब यहाँ पर ग्लास है, फ्रंट में कर्व डिस्प्ले मिलती है काफी खूबसूरत, फुल HD डिस्प्ले विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी थी। यहाँ पर आउटडोर विजिबिलिटी भी डिस्प्ले की काफी बढ़िया मिलती है। एंड इसके अलावा इस फोन की जो मेन हाईलाइट है वो इसके कैमराज ही है। तो यहाँ पर जो कैमरा परफॉर्मेंस है मेन कैमरा की वो काफी अच्छी है, और इसमें जो फिल्टर्स मिलते हैं ना वो फोटो को काफी ज्यादा अच्छा बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, जो इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है ना, वो इतना काम का नहीं है, काफी ब्लरी फोटो कैप्चर करता है। तो इसको छोड़ के जो मेन कैमरा अच्छा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी बढ़िया मिलती है, आप 4K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी स्टेबल, और फ्रंट कैमरे में भी 4K का ऑप्शन मिलता है, लेकिन स्टेबिलाइजेशन सिर्फ 1080p सेटिंग्स में मिलती है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग अगेन काफी अच्छी है, सेल्फी के लिए मैं इसे बेस्ट फोन बोल सकता हूं अंडर 30,000 रुपीज। अब दूसरी जो चीज है वो है भाई ऑब्वियसली इसका प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 778G मिलता है। ये एक एवरेज प्रोसेसर है जिसके अंदर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, नॉर्मल टास्क आसानी से हैंडल कर लेगा। बाकी यहाँ पर जो फोन है उसका बैटरी बैकअप भी ठीक मिल जाता है, क्योंकि 4600mAh का बैटरी मिलता है विद 80W चार्जिंग। वैसे ये फोन हमने कवर किया, अगर आपको चेकआउट करना है चैनल पर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसकी अपडेट पॉलिसी के बारे में बता देता हूँ, तो 2 साल की मेजर अपडेट मिलने वाली है और 3 साल का सिक्योरिटी पैच, और वीवो भाई अपडेट टाइम पर पहुंचाता है। लेकिन वीवो के फोन के अंदर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अपडेट के बाद ग्रीन लाइन इशू भी काफी ज्यादा मिला है, तो ये चीज दिमाग में रखना। तो ये हमारा पहला फोन था, अब मूव करते हैं सेकंड फोन की तरफ। नेक्स्ट फोन है भाई सैमसंग का, उन लोगों के लिए जिनको एक छोटा फोन चाहिए, पावरफुल फोन चाहिए और अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ चाहिए। अब ये फोन जब आया था मैंने वीडियो बनाई थी कि मत लेना, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ओवर प्राइस था, लेकिन सैमसंग ने इसका प्राइस अब काफी सही कर दिया। ये फोन आपको अंडर 30,000 रुपीज डिस्काउंट के बाद आसानी से मिल जाएगा, और इस फोन का नाम है सैमसंग S21 FE विद स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। अब S21 FE सुनते दिमाग में आता भाई अपडेट कब मिलेंगी, लेकिन सैमसंग ने खुद कंफर्म करा है 4 साल की मेजर अपडेट मिलेगी और 5 साल का अभी भी आपको सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है, जो कि नए दूसरे ब्रांड के काफी फोनों से बेहतर है। अब इस फोन को मैंने यूज करा था, काफी स्लिम फोन है, छोटा सा फोन है, और यहाँ पर बैक में आपको मिलता है प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, आसानी से स्क्रैचेस नहीं लगते, डिस्प्ले बहुत शानदार है, बेजल चिन कम है, और यहाँ पर एमोलेड पैनल मिलता है जिसकी आउटर विजिबिलिटी भी अच्छी है, 888 है तो इतनी जल्दी से गर्म भी नहीं होता, आप गेमिंग भी अच्छी कर सकते हो, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और इसमें IP रेटिंग भी मिलती है, तो पानी वानी भी जाएगा थोड़ा बहुत, तो ये फोन आराम से हैंडल कर लेगा। अब इस फोन के अंदर जो मेन हाईलाइट है, एक तो फॉर्म फैक्टर था क्योंकि काफी कंफर्टेबल है, दूसरा प्रोसेसर था जो कि काफी अच्छा मिल जाता है, और तीसरा आता है भाई अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट UI मिलता है जिसके अंदर एनिमेशन भी अभी सैमसंग ने काफी इंप्रूव कर दिया, और स्नैपड्रैगन के साथ मिलकर तो भाई धमाका कर देता है, और ब्लॉटवेयर भी इस प्राइस सेगमेंट के दूसरे फोनों से कम मिलता है, और इसके कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं डे लाइट कंडीशन में, लो लाइट कंडीशन के अंदर, और जो एक शिकायत थी एक्सिनस वेरिएंट के साथ कि भाई बैटरी ड्रेन मिल रहा था, तो स्नैपड्रैगन वेरिएंट के अंदर ये वाली प्रॉब्लम भी अभी तक नहीं मिली है। तो मेरे हिसाब से काफी तगड़ा फोन है अगर आपको एक अच्छा UI एक्सपीरियंस और अच्छे कैमरा वाला फोन चाहिए। अब थर्ड फोन शाहरुख खान का फेवरेट फोन है, क्योंकि वो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो ये है रियलमी का 12 Pro Plus, और भाई यहाँ पर जो इस बार डिजाइन दिया है ये मेरे को काफी अच्छा लगा, स्पेशली जो कैमरा मॉड्यूल है ना, इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन आती है वो बहुत प्यारी है। अब ये फोन 30,000 रुपए का है, लेकिन मेरे को पता है स्टार्टिंग में रियलमी के काफी लोग फोन लेना पसंद नहीं करते हैं, और रीजन है क्योंकि रियलमी के फोनों का प्राइस गिरगिट की तरह है, मतलब आज ज्यादा है 1 महीने बाद हो सकता है ये भाई 20,000 रुपए का बिक रहा हो, तो भाई रियलमी के फोनों को लोग रुक कर लेना पसंद करते हैं। अब इस फोन के बारे में बता दूं तो यहाँ पर जो बैक टेक्सचर है बहुत ज्यादा शानदार मिलता है, डिस्प्ले जो कर्व दी गई है फुल HD, और यहाँ पर हर एक स्पेसिफिकेशन मिलते हैं डिस्प्ले के अंदर, कम बेजल चिन है, लेकिन इन सब चीजों को हटा के जो एक और मेन हाईलाइट है इस फोन की वो है कैमरा। इस बार कैमरा पर रियलमी ने काफी ज्यादा वर्क करा है, और ऊपर से 3x पेरिस्कोप कैमरा भी डाला है, वो भी पूरे 60 मेगापिक्सल का। यहाँ पर जो फोटोज निकाल के देता है पोर्ट्रेट मोड में बहुत ज्यादा शानदार है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बाकी फ्रंट कैमरा में रियलमी में अभी भी शिकायत है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा गोरख करने पर फोकस करता है। इसके अलावा जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो रियलमी ने इंप्रूव करी है, क्योंकि ओप्पो रियलमी भाई भाई, तो ओप्पो ने भी करी थी तो रियलमी ने भी कर ली। इसके अलावा इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, जिसकी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, नॉर्मल यूजेज में भी फोन अच्छा है, तो फोन ओवरऑल काफी बेहतर निकाला है रियलमी ने, और इसके अंदर 2 साल की मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा।
बाकी 5000 mAh का बैटरी मिलता है और 67 W की फास्ट चार्जिंग, तो चार्ज भी भाई तड़कता बड़कता हो जाएगा। बस यहाँ पर बात आती है इसके UI की, मैं सोच रहा हूँ उसकी बात ना थोड़ा रिव्यू के अंदर करेंगे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ। तो ये है पोको X6 Pro। अब X6 के कंपैरिजन में यहाँ पर बैक टेक्सचर काफी अलग है। एक तो लेदर लाइक फिनिश मिलती है और मेरे को बैक लुक पर्सनली येलो कलर में काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। इसके अलावा फ्रंट डिस्प्ले पे चले तो आपको सारी टेक्नोलॉजी मिलती है जितनी भी डिस्प्ले के अंदर है, जैसे कि 68 billion कलर शो कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस कंटेंट स्ट्रीम कर सकती है, HDR10+ कंटेंट स्ट्रीम कर सकती है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाइज नो डाउट बहुत बढ़िया डिस्प्ले और क्वालिटी भी डिस्प्ले की अच्छी है, और बेजल चिन भी ऑब्वियसली काफी कम मिलते हैं, और यहाँ पर आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है। वैसे तो इसके अंदर 1800 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे ना तो वहां पर जो ब्राइट पार्ट होगा उसको थोड़े टाइम दिखाने के लिए काम में आती है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर भरपूर टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो कैमराज है वो थोड़ा गोरा करने पर ही फोकस करते हैं, जो कि मेरे को इतने इंप्रेसिव नहीं लगे हैं। तो कैमराज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बहुत सारे फोन बता दिए, लेकिन इस फोन के अंदर जो एक और इंप्रेसिव चीज आती है वो इसका प्रोसेसर। इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 प्रोसेसर है, जिसकी गेमिंग परफॉर्मेंस नो डाउट पोको के लेवल की है, क्योंकि पोको अपने गेमिंग फोन के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर आप इसके अंदर आराम से हाई सेटिंग्स पे भी गेम प्ले कर सकते हो, कोई मेजर हीटिंग इशू नहीं है फोन के अंदर, नॉर्मल ही वार्म होता है हाई गेमिंग्स में, और यहाँ पर भाई फोन नॉर्मल टास्क भी काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। एंड पोको ने जैसे कि अपने UI के अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करी है, वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अभी भी थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर है जिसको आप बाद में जाके इंस्टॉल कर सकते हो फॉर क्लीन एक्सपीरियंस। और इसके अंदर UFS 4.0 की स्टोरेज है, 5000 mAh का बैटरा है विद 67 W फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर सारा पॉसिबल हार्डवेयर डाला है इस प्राइस रेंज के अंदर, तो मेरे हिसाब से 27,000 rupees में एक बेस्ट फोन है। अब यहाँ पर 30,000 में ना मुझे लास्ट फिफ्थ फोन कोई मिला ही नहीं अच्छा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लेते हैं और 35,000 के अंडर में मेरे को जो फोन मिला वो है Nothing Phone 2। अब इस फोन का प्राइस स्टार्टिंग में काफी था, लेकिन अभी कम होकर 35,000 के आसपास आपको डिस्काउंट के बाद मिल जाएगा, और हो सके तो थोड़ा और भी डिस्काउंट लग जाए कुछ दिनों बाद। तो इस फोन में आपको जो खास मिलता है, एक तो यहाँ पर जो बैक लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे फोनों से, लाइट ग्लो होती है यहाँ पर, ग्लिफ लाइट कॉल नोटिफिकेशन के टाइम पर। इसके अलावा भाई जो फ्रंट डिस्प्ले है इसके बेजल चिन काफी इवन है, और डिस्प्ले की क्लियरिटी काफी हद तक लगती है जैसे कि एप्पल से ट्यून कराई हुई इन्होंने डिस्प्ले, क्योंकि कलर एक्यूरेसी काफी हद तक दोनों फोनों की मिलती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफी अच्छे से वर्क करता है, आउटडोर विजिबिलिटी भी फोन की काफी अच्छी है, यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट बहुत सही वर्क करता है। और इस फोन के अंदर सबसे कमाल की चीज है वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। आप UI को कस्टमाइज कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे भी आपको पसंद है। और इस फोन के अंदर Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर है, तो गेमिंग भी इसके अंदर आराम से हो जाती है, कोई हीटिंग इशू नहीं है इस फोन में। एंड यहाँ पर इस फोन में 50-50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा सेटअप है। अब यहाँ पर अल्ट्रा वाइड तो यूजलेस है, लेकिन मेन कैमरा सेंसर जो है ना वो काफी अच्छे से वर्क करता है, वीडियो रिकॉर्ड भी आप इससे आसानी से कर सकते हो, एंड फ्रंट कैमरा भी इसका बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन फोटो में अगेन यहाँ पर मेरे को प्रोसेसिंग थोड़ी सी अजीब लगती है। बाकी बैटरी बैकअप इस फोन का ठीक है, 4700 mAh की बैटरी मिलती है, एंड इसमें फ्लेक्सिबल वाले फीचर मिलते हैं जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी इस फोन के अंदर अवेलेबल है। वैसे पर्सनली ना मुझे नथिंग फोन 2 की इन हैंड फील इतनी अच्छी नहीं लगती है, और अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो मैं कहूंगा कि अभी IQOO Neo 9 Pro लॉन्च करा है, तो फोन वो जैसी सेल पे आ जाएगा हम उसे खरीद के जल्दी वीडियो लाएंगे, तो आप उसका वेट कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हमने कोई रैंकिंग नहीं करी है, अगर हमसे कोई फोन मिस हो गया अंडर 30,000 rupees जो आपको लगता है बेस्ट है तो कमेंट में बता सकते हैं, और अपने हिसाब से रैंकिंग करके भी कमेंट में बता सकते हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं जल्द कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इस वो करें टू वॉच योर हार्ट फील स्टेट इन विद HFEN बॉक्स गाइस।